सिंधिया ने धनगर गायरी समाज के खिलाफ जो गद्दारी करी है उसके लिए धनगर गायरी समाज में काफी आक्रोशित है। जो कई वर्षों से लगातार पीढ़िया पीढ़िया देखते आ रही है देवी अहिल्याबाई के नाम का रोड है, उस रोड का नाम वो चेंज कर रहे हैं। इसमें धनगर गायरी समाज सहन नहीं करेगी। यदि धनगर गायरी समाज इस मुद्दे को लेकर आज आवाज उठाई है और कल ज्योतिराज सिंधिया जब भी मंसूर अहमान होगा ज्योतिराज सिंधिया को फूल मारा से नहीं जूते की मारा से स्वागत करा जाएगा धनगर गायरी समाज की ओर से। हम तो शांति व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर आए जैसे पता चला, और ऐसी जो भी गलत गतिविधि जो होती है संचालित उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। धारा 144 लगी हुई है जी, इसी उसी बिल्कुल नियम विरुद्ध कोई भी चीज होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी जो भी नियमानुसार हो? धारा 144 का उल्लंघन किया है, क्या मानते हैं? आज जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ऐसे गद्दार निकले जिन्होंने कुठारघात किया है धनगर समाज के ऊपर। देवी अहिल्याबाई को आज पूरी दुनिया मानती है, उनके जो न्यायप्रिय प्रणाली थी उसको पूरी दुनिया में वाकिफ है। उनके नाम से जो न्यू टेकरी रोड बना हुआ था उनका रोड का नाम चेंज कर दिया, और उनके चहिते महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मंत्री है उनके पिताजी के नाम से वो रोड आवंटित कर दिया है, उनका नाम चेंज किया और सागर सिसोदिया के नाम से कर दिया है। उसी के विरोध में आज अहिल्या भाई को एक ये मैसेज देना है कि एक ऐसे न्यायप्रिय सिंधिया जी एक ऐसे दोगले आदमी है कि उन्होंने अहिल्या भाई के ऊपर कुठारघात किया है, उन्हीं के विरोध में आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। ये इंदौर में न्यू टेकरी रोड है, उसका नाम देवी अहिल्याबाई रोड था, उसका नाम चेंज करके महेंद्र सिंह सिसोदिया जी है, उनके पिताजी के नाम सागर सिंह सिसोदिया जी के नाम पे किया है, उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। आपका नाम? जगदीश धनगर। धनगर गायरी समाज के करीब 20 एक लोगों द्वारा पुतला दहन का प्रयास किया गया था जिसे पुलिस द्वारा पूर्णतः विफल किया गया है। किसका पुतला दहन किया गया? ये बता रहे थे ज्योतिराज सिंधिया का पुतला दहन करने वाले थे लेकिन पुलिस द्वारा उसे विफल किया गया। धारा 144 लगी हुई है, क्या लगता है इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।